गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास इंग्लिश 9th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं और ये हम यहाँ पर जो ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं, इसके बाद सेकेंड और थर्ड की बात करेंगे। इसमें हमें डेरिवेशन करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का, कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आई कैसे है। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, कंसिडर ए बॉडी है डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, नाउ इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन। फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन कॉमा एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टू। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर और अल्फाबेट इज s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टू और टाइम है t। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ v की वैल्यू की स्थान पर हम क्या रख देंगे u प्लस ए टी। ठीक है, अब ये 2u हो गया, 2ut, ये t इधर आ गया, मल्टीप्लाई कर ली 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, t से t की स्क्वायर हो गई, t स्क्वायर अपॉन 2, s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस और ये हाफ हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। From first equation of motion, comma we have v plus u plus at, at को हम इधर की साइड ले गए और इसको u को उधर ले गए, माइनस का हो जाएगा, at is equal to v minus u। तो अब t a जो है ये हम डिवाइडेशन में लेकर के आएंगे, तो अदर साइड जाने के बाद ये डिवाइड में आ जाएगा, t is equal to v minus u upon a। Putting this value of t in the second equation of motion we have s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर हमें t की वैल्यू रखनी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या हुआ ये s इज इक्वल टू यू और यहाँ की t की जगह v माइनस यू अपॉन टी टू सॉरी a
प्लस हाफ ए और ब्रैकेट के अंदर वी माइनस यू अपॉन टू का स्क्वायर। तो पहले वाले स्थान पर यहाँ स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये u की v से मल्टीप्लाई हुई तो u माइनस वी जब ब्रैकेट ऑफ होगा माइनस u की u से मल्टीप्लाई होगी तो u स्क्वायर अपॉन a प्लस वन अपॉन टू ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर ओपन होगा तो v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस टू वी यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है ये, और नीचे जो a है इसका स्क्वायर होगा तो ऐसे ही आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन टू ए। एलसीएम ले लेंगे ए एंड टू ए का, एलसीएम आया टू ए। ठीक है, अब ए से टू ए को डिवाइड करेंगे तो टू हमारे पास रहेगा, टू से इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे प्लस ये साइड ऐसी ही आ जाएगी, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ठीक है, इनमें से ये जो है वी स्क्वायर माइनस टू यू वी से टू यू वी कैंसिल हो गया, अब ये रहा हमारे पास वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर, इसको हमने कॉमन लेने के बाद ऐसे ही लिख लिया। ठीक, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बंद कर लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, और ये नीचे टू ए रहा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर एस है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को अदर साइड लेकर के जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद हम इक्वेशन को टर्न कर लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नोट इट वेरी वेल एंड लर्न इट वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपका बनेगा डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, आंसर में हेडिंग नोट कीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्किल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन फुल स्टॉप। बिफोर वी स्टडी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉमा वी विल डिस्कस हाउ ए सर्कुलर पाथ कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ एन आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ टिनी साइड्स कॉमा एंड ए बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ चेंज इट्स डायरेक्शंस ऑफ मोशन कंटिन्यूसली। ये डायग्राम्स हैं, इसमें फोर साइड्स हैं, इसमें एट साइड्स हैं, इसमें साइड्स और इंक्रीज हो रही हैं, तो इस तरीके से छोटी छोटी कट लगने के बाद जो मोशन का ग्राफ लेते हैं वो बिल्कुल गोल आ जाता है। ठीक है, ये है स्क्वायर ट्रैक फोर साइड, हेक्सागोनल ट्रैक सिक्स साइड्स, ऑक्टागोनल ट्रैक एट साइड्स एंड सर्कुलर ट्रैक आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ साइड्स। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई बॉडी गोल पाथ पर एक नॉर्मल स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूविंग करती है, ना ही उसकी स्पीड कम की जा रही है और ना ही ज़्यादा की जा रही है, तब ऐसी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब ना ही कम हो रही है और ना ही ज़्यादा हो रही है कॉमा, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी के लिए जा रहे हैं, वो है एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, हम इसमें हेडिंग नोट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं पृथ्वी के फोटोग्राफ लेने के लिए, वो पृथ्वी के चारों ओर एक कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमते रहते हैं। सेकेंड इज मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर एक समान गति से घूमता रहता है। थर्ड इज अर्थ मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमती है, इसलिए इस स्पीड को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फोर्थ इज एन एथलीट और साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
जो एथलीट होता है या साइकिल चलाने वाला साइकिल रेस में होता है तो वो गोल पाथ पर अपनी फास्टेस्ट स्पीड से साइकिलिंग करता है तो उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड मोशन कहा जाता है। फिफ्थ इज द टिप ऑफ ए सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। जो सेकेंड की सुई होती है वो घड़ी के चारों ओर एक समान गति से घूमती रहती है, उसके टिप की बात की गई है। ओके,